ट्रैक्टर की आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। ये है जॉन डियर का 5310 गियर प्रो मॉडल का ट्रैक्टर है, फुली इलेक्ट्रिक मीटर और पूरी कंप्लीट इसके साथ में है। तो राम राम किसान भाइयों, इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 5310 CRDI इंजन के नए ट्रैक्टर की जानकारी लेंगे, इसमें क्या फीचर्स है जो किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और क्या है। हाँ जी भैया नमस्कार, क्या नाम है जी? जैसे कि जॉन डियर ने अपना जो 5310 जो मॉडल का ट्रैक्टर लॉन्च किया है, इसमें क्या फीचर्स है, क्या खासियत है इसकी? बेसिक फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिक फीचर है इसमें इकोनॉमी और स्टैंडर्ड मोड। अच्छा, इसमें जो किसान भाइयों का डीजल बचाना है, हम अगर ट्रैक्टर को देखें का अगर लोग देखें तो इसमें कंपनी LED हेडलाइट देती है। अच्छा, LED हेडलाइट लगा के लिए। हम इसका आगे इंजन से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर स्टार्टिंग फ्रंट में देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं ड्राई टाइप एयर क्लीनर विद डुअल एलिमेंट मिल सकता है, आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपको फ्यूल कूलर, इंटर कूलर, रेडिएटर और उसके साथ में एक रेडिएटर स्क्रीन भी मिलती है कि जब आप ट्रैक्टर को उसमें प्रेशर और रीपर वाले उसमें यूज करते हैं तो इसमें डस्ट का वो ज्यादा रहता है, उसमें आपको ये रेडिएटर की स्क्रीन काफी मदद करेगी। अच्छा, इसके माध्यम से अपन निकाल के उसको साफ कर सकते हैं। रेडिएटर का प्रोटेक्शन हो गया और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। रेडिएटर को साफ रहने में मेंटेनेंस कम हो गया। उसके बाद इसको CRDI इंजन में जो सेट किया है तो इंजन में क्या क्या चेंजेस किए हैं इसमें? इसमें इंजन में काफी चेंजेस किए हैं। इंजन में अगर मेन चेंजेस में आपको बताऊं तो इसमें DOC और ये सब सिस्टम ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा इंजन में 12 सेंसर दिए गए हैं। 12 सेंसर, 12 सेंसर से उसमें ट्रैक्टर का जो रहता है डीजल कंजम्पशन में काफी अंतर आया है जी। और जैसा कि लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, वो नहीं है। ये जो ट्रैक्टर है सिर्फ सेंसर बेस्ड है। सेंसर बेस्ड पे जो सेंसर्स है, आप सेंसर्स को अगर देखें उसमें जो सेंसर्स उसमें काफी मदद करेंगे और जो भी उसमें कुछ भी फॉल्ट रहेगा आपको सीधे आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा वो। जैसे कि इसके जो गियर है, 4-wheel drive का एक गियर है, इसकी क्या गारंटी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या बता रही है? वारंटी दे रही है कंपनी 5 साल। 5 साल की वारंटी दे रही है। 5 साल में क्या ऑयल लीकेजिंग और क्रेक होने का? लीकेजिंग तो जॉन डियर के कोई से भी ट्रैक्टर में आपको नहीं देखेगा। जॉन डियर एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर है जो पैकिंग लेस ट्रैक्टर है। जॉन डियर ट्रैक्टर में जो होता है ऑयल सील वगैरह नहीं है। ऑयल सील नहीं है, ऑयल सील नहीं है ताकि आपका पानी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरा यदि पानी। और एक एक चीज और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आम दिनों में जैसे 4-wheel drive ट्रैक्टरों की जो क्रेन है ये रॉड है ये अंदर से ये बड़ी क्रैक हुई है सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों की, जॉन डियर वगैरह में, अगर ये कुछ इसकी कोई गारंटी कंपनी? जॉन डियर हैवी ड्यूटी वो देती है। हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी एक्सएल, हैवी ड्यूटी शाफ्ट, हैवी ड्यूटी आएगा आपको। और इसमें क्या फीचर्स जो ऐड किए हैं वो आप हमें बैठ के बताइए। आपको जो मैं चीजें बताता हूँ, जैसे ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर के मेन जो बताऊँ, एक्सेलरेटर में जो हाथ की रेस है और पांव की रेस है दोनों में एक यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है जी। जितनी आप रेस देंगे, जैसे मान लीजिए आपने इतनी रेस दी, उसके हिसाब से सेंसर से इसके HPCR जो पंप है, हाई प्रेशर कॉमन रेट, उस पर आदेश जाएगा तो डीजल उसके हिसाब से ही लगेगा, उसके हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन। इसके अलावा इसमें ऐसा फीचर है जो लोड चलेगा ट्रैक्टर जितने लोड पे रहेगा उसके हिसाब से डीजल कंजम्पशन। इसके जो मीटर वीटर में क्या चेंजेस किए आप थोड़ा सा हमें बैठ के बताएंगे, क्या क्या चीजें इसमें जो चेंज किए? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक सेकंड इसका मीटर ऑन कीजिए जी भैया। जैसे कि मीटर में जो चेंजेस की में अगर देखा जाए तो आपको सबसे ऊपर अगर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इकोनॉमी और स्टैंडर्ड मोड मिल जाता है। इकोनॉमी और स्टैंडर्ड मोड की विशेषता ये है, जब आप इसको इकोनॉमी में ट्रैक्टर को चलाओगे तो डीजल बोलेगा 45 HP का, मतलब कि 45 HP का तक का डीजल लेगा। और स्टैंडर्ड मोड में और दूसरा आप देख सकते हैं, मैं आपको ट्रैक्टर का स्टार्ट करके साउंड सुनाऊंगा। इसकी जो स्टार्टिंग क्लिक है इतनी स्लो CRDI की वजह से जी, इसका एक बीप के साथ जो स्टार्ट होता है। अच्छा, काफी स्मूथनेस साउंड आ रही है लगभग इसकी। अब जैसे एक चीज और मेरे को ये बात जाननी थी कि जैसे एक बटन दिए एक्स्ट्रा है यहाँ से, आई केयर बटन,
ट्रैक्टर में क्या इश्यूज है, ये फॉल्ट बटन किसी कंपनी ने नहीं दिया, स्टैंडर्ड चीज है ये, इसका क्या फायदा है कि जैसे कि इसको प्रेस करते हैं अपन, जैसे ये इसका ये फायदा है, मान लीजिए मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो इसका पहले सबसे पहले जो फ्यूल उसका किलोमीटर दिखाएगा, फिर उसके बाद जैसे कि इसमें आप लो फ्यूल आप मीटर पे इंडिकेट कीजिए एक बार कैमरे को, जैसे कि इसको दबाया तो इसने लो फ्यूल का इंडिकेशन दिया है, किलोमीटर की स्पीड दिखाएगा, इसके कितने आर्स चले वो दिखाएगा, अगर आप पीटीओ ऑपरेट कर रहे हो उस समय तो पीटीओ के ऑपरेशन की स्पीड दिखाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये बटन का ये फायदा है, मान लीजिए अगर ट्रैक्टर के इंजन में किसी भी पार्ट में कुछ फॉल्ट होता है तो वहाँ पे अगर मैं उस बटन को दबा के रखूंगा उसका कोड मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएगा। मतलब कि इस बटन के माध्यम से आसानी से, मतलब कि किसान इसको प्रेस करके इसके कोड से सारी चीजें, बाकी इसका मीटर सारी चीजें शो करता है कि इसमें क्या, डैशबोर्ड हर चीज शो करेगा, हर चीज लो अभी दिखाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे शो करेगा जी। यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं इसको, जैसे अभी एक ये कोड आ चुका है जो लो डीजल का, लो फ्यूल का कोड आ गया उसमें। अच्छा, जैसे कि हम लोग एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इसमें जी, इसमें अभी कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी और जो एक कोड आ रहा है वो लो डीजल का, लो डीजल का। अब उसके जो प्लेटफॉर्म में क्या चेंजेस किए हैं उसकी थोड़ी सी हमें, प्लेटफॉर्म हम देखें तो प्लेटफॉर्म कंपनी ने काफी एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, इसका प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो दूसरी कंपनी के बजाय काफी वो कर दिया है। इसके अलावा आपको अर्गोनॉमिक डिजाइन मिल जाती है, यहाँ से आप फुट प्रेस से आइए और इसके बाद पूरा क्लियर पैसे आपके ऑपरेशन के लिए काफी। अब अगर यहाँ पे देखें हम सस्पेंडेड पेडल मिल जाते हैं, उसके साथ आपको मिलता है गियर प्रो ऑप्शन, गियर प्रो ए बी सी डी, और इधर एक और आपको जो पार्किंग का गियर रहता है, पार्किंग आपको लीवर इसमें ही रहता है, जैसे दूसरी नहीं नहीं बस, अरे नहीं कोई दिक्कत, ब्रेक अप्लाई करके आप कर रहे हो नहीं बस अभी आप वन बाय वन इसमें पार्किंग का वो दिया हुआ है और डायरेक्टली गियर लॉक हो जाता है अगर आप